आप सब लोगों को मेरे तरफ से सलाम। और एक बात, खुशी की बात यह है कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। और मेरा एक मशवरा यह है कि जो भी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्हीं के बच्चों को आजू बाजू में बिठा लेके, यही क्लासेस जो डोमे को क्लासेस हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनको भी अपने अपने बच्चों को भी सिखा सकते हैं ना। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी बात है। हम देख भी रहे हैं स्क्रीन पे, टीचर्स जो है उनके लड़कों को आजू बाजू बिठाए हुए हैं ऑलरेडी, और वो लोग साथे साथ सीख रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। और सर, ये नजीर बादशाह साहब, आप कड़पा से कॉल कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक चीज हम ये भी बता दें कि इस सेशन के बाद भी हेल्प मिलती रहेगी। देखिए, अब ये मैडम अपना स्क्रीन बता रहे हैं जहाँ पे उनके बच्चे उनके साथ में बैठे हुए हैं। अच्छा, इसका रिकॉर्डिंग। मैम, मी पेर जे पंडी, मैम मी पेर जे पंडी, भारती गारू, हाँ भारती गारू, मी रेकॉर्ड के लिए कनेक्टेड हाँ एक्सक्यूज मी जी, मेरा नाम मेडी भारती है और मैं जो किशन बाग से बात कर रही हूँ। हूँ भारती मैम, आपको आईटा के बारे में, इस सेशन के बारे में कहाँ से पता चला? सर, मेरे को फोन पे मैसेज आया था ग्रुप से अनवर सर के जरिए कि अटेंड करिए करके, इसलिए मैं अटेंड कर रही हूँ और ये मेरा फर्स्ट टाइम है। ग्रेट मैम, बहुत खुशी की बात है आप हमारे साथ जुड़े, बहुत अच्छा लग रहा है। आप सर, मेरे ऐसे को जुड़े रहिए साउंड आगे। इरिटेट हो रहे हैं, डबल डबल साउंड आ रहा है। कोई बच्चे बात कर भारती रहे हैं? मैम, आरिफ आपका साहब, माइक ऑन कर लीजिए, सिर्फ आपका माइक ऑन कर लीजिए। हमने आपके माइक को बंद किया था, आप माइक को ऑन करें, और दूसरे पार्टिसिपेंट्स प्लीज अपना माइक ऑन ना करें। अगर आपको कुछ बोलना है तो इसके पहले पेज पर आपको टैप टू स्पीक बटन रहेगा, आप वहां जाके बोल सकते हो। ओके, ग्रेट। आवाज जी, आवाज, हम यहाँ पर रुके थे कुछ देर के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, पार्टिसिपेंट्स का सिलसिला बढ़ता रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, फिलहाल हमारे साथ में 83 पार्टिसिपेंट्स जुड़ चुके हैं, सीरियसली लोग जुड़ चुके हैं। सबसे माशाल्लाह। पहले मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। आज तीसरा कौन दिन है सी हमारी क्लास है? ट्रेनिंग का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम कल तक तीसरा 50% दिन कोर्स कंप्लीट कर चुके थे। आज होपफुली हम 75% कोर्स कंप्लीट करेंगे, और आप कंप्लीट सबके करना इतला के लिए ये कोर्स जब कंप्लीट होगा, इसका एक ऑनलाइन सर्टिफिकेट दिया जाएगा आईटा की जानिब से। आपको इसका पोस्टर ये ऑनलाइन क्लासेस आप ले सकते हैं, बोलकर एक इतने भी सर्टिफिकेट फिगर दिया से जाएगा, तुम और मैं उस पूछ रही हूँ, तब सर्टिफिकेट की इसका बहुत कोर्स वैल्यू अभी है। क्यों नहीं कर रही है? तो चालू आप उस सर्टिफिकेट को, आप उस स्कूल, उस सर्टिफिकेट का इस्तेमाल अपने स्कूल में दिखा सकते हैं, क्योंकि आज आईटा को सारे इंडिया में बहुत बेहतरीन मुकाम हासिल है और सभी लोग आईटा से इसका फायदा उठा रहे हैं। तो ये जो ट्रेनिंग की क्लासेस चल रही हैं, इंशाल्लाह पहला सेशन कंप्लीट हो जाएगा आईटा की होपफुली क्लास। कल तक। हम उसके लिए कोशिश कर रहे हैं। आज का हमारा एजेंडा सुन लेते हैं। आज का हमारा एजेंडा है, हम आज की इस क्लास में ये सीखेंगे कि ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाएगा, और टाइम, वक्त अगर साथ देता है तो इसको कैसे क्वेश्चन होगा, हम ये भी सिखाएंगे। आज की क्लास का एजेंडा है, और आज की क्लास में मेरे साथ दो तीन साथी और जुड़े हैं, इनशाला वो लोग भी बारी बारी से अपना रोल इस सेशन में अदा करेंगे। तो ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर की पहले जरूरत क्या है, हम सुन लेते हैं। देखिए, हम कल तक के क्लास में सीख चुके हैं कि हम किस तरह से जूम ऐप के जरिए से या व्हाट्सएप के जरिए से हमारे क्लासेस को हम बच्चों तक कैसे पहुंचाएंगे, हम सीख चुके हैं। तो अब हमने जो पढ़ाना था हमने पढ़ा दिया, हमने जो बोलना था हमने बोल दिया, हमारा एक टॉपिक कंप्लीट भी हो गया। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि बच्चे ने उसको ठीक से सीखा, हम ये कैसे जानेंगे कि बच्चा उस पर कितनी नॉलेज हासिल किया है, ये जांचने के लिए हमको उसका एक असेसमेंट लेना जरूरी है। और यही असेसमेंट आप सीधे एफए मार्क्स के अंदर भी जोड़ सकते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी जोड़ सकते हैं। यानी अगर मैं इन छुट्टियों में अभी कोई एग्जाम ले रहा हूँ तो इसके मार्क्स मेरे पास सेव रहेंगे, मेरे पास कोई भी अगर फोन है तो किसी भी जगह पे मैं उसको एक्सेस कर सकूंगा, और ये मार्क्स मैं बच्चों तक पहुंचा भी सकूंगा। अब बात यह है कि ये ऑनलाइन एग्जाम कैसे लिया जाए, क्योंकि हम अब तक पेपर बेस्ड एग्जाम्स लेते हैं, बच्चे को सामने बिठा के एग्जाम कराते हैं। तो अब जो हम एग्जाम लेंगे, ये ऑनलाइन एग्जाम किस तरह से हम लेंगे, और ये क्वेश्चन पेपर कैसे तैयार होगा, और ये चीज हम दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे। ठीक, थोड़ा मेरी आवाज कम आ रही है कह रहे हैं, तो मैं अपने फोन को थोड़ा सा और आगे कर रहा हूँ।
तो ये किस तरह से हमारा पेपर जो है दूसरों तक पहुंचेगा, हमें ये भी देखना है। बेटा फोन पैन ऑफ। तो अब मेरा, मैं आपको पहले एक क्वेश्चन पेपर का डेमो दिखाऊंगा कि हमारा क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा। जनरली हम कोई जब क्वेश्चन पेपर बनाते हैं तो हम उसको हाथ से लिखते हैं या टाइप करते हैं, तो ये पेपर हमारा लाइव नहीं होता। इसके अंदर हम कलरफुल इमेजेस नहीं डाल सकते, तो हमारा पेपर लाइव नहीं रहता। तो आज जो हम आपको पेपर क्वेश्चन पेपर बताने जा रहे हैं ये लाइव रहेगा, इसमें ऑप्शंस ब्यूटीफुल रहेंगे, इसमें कलरफुल इमेजेस रहेंगे, इसमें आप क्वेश्चन पेपर में वीडियो तक भी डाल सकते हो कि बच्चा कोई वीडियो देखकर उसके जरिए से फिर जवाब आते हैं। जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, पैसेजेस होते हैं, तो हम ये देखते हैं कि बच्चे की रीडिंग स्किल कैसी है। हम LEP मॉडल में ये देखते थे कि बच्चे की लिसनिंग स्किल्स कैसी है। अब CC पैटर्न में ये पैटर्न नहीं रहा, तो हम इवन वीडियो के जरिए से उसकी लिसनिंग स्किल्स को भी हम देख सकते हैं, उसकी कॉम्प्रिहेंशन भी हम देख सकते हैं। तो तमाम LSRW स्किल्स हमको पेपर के अंदर मिल जाएंगे, और ये पेपर मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, हर सब्जेक्ट के लिए काम में आएगा, इवन लैंग्वेजेस में काम में आएगा। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं पहले आपको मेरे स्क्रीन शेयर के जरिए से एक क्वेश्चन पेपर का डेमो दिखाऊंगा। आप देखिए एक ऑनलाइन पेपर कैसा होता है, फिर वही पेपर आप कैसे बनाएंगे हम ये देखेंगे। ये हमारा एजेंडे का पहला हिस्सा रहेगा। दूसरे हिस्से में जब पेपर बनना आप सीख जाओगे, हम एक छोटी सी आपको सर्वे देंगे। उस सर्वे में आपको एक लाइव क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा। उस क्वेश्चन पेपर पे आपको आपका नाम, आप कहाँ जॉब करते हैं, आप कितने साल से सर्विस में, आपका फोन नंबर क्या है, आप उसको अपने आप अटेम्प्ट, थम्स अप वाली निशानी, एक थम्स अप वाली निशानी, वेरी गुड, नाइस नाइस नाइस। पूजा शर्मा जी, हम आपका भी वेलकम करते हैं। पूजा शर्मा जी, आप बताएंगे आप कहाँ से ज्वाइन हुए, आपका माइक को ऑफ करके बताइए आप कहाँ से ज्वाइन हुए। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है पूजा शर्मा जी, आपका शायद माइक ऑफ है। सर अब आ रही है? आ रही है बिल्कुल। आप कहाँ से हो बोलो मैम? टेक्नो इंडिया ग्रुप पब्लिक स्कूल। ओके ओके ग्रेट, चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं, आज के हमारे सेशन को आगे बढ़ाते हैं। हम बीच बीच में जो हमारे मेहमान वेलकम करते हैं सर जी। आयुषा खान साहब आ चुके हैं सर, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खान साहब आ चुके हैं आपकी सलाह के लिए। जी जी सर, एक छोटा सा डेमो होते ही मैं अनवर सर को इंशाल्लाह थोड़ा सा वक्त दूंगा। सर हमारे साथ में जुड़े हैं जनाब अनवर खान साहब, जो ऑल इंडिया प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे मरकज दिल्ली से वर्क करते हैं। हम उनका वेलकम करते हैं, और इंशाल्लाह एक दो मिनट के बाद इंशाल्लाह अनवर खान साहब भी आपसे मुखातिब करेंगे। तो पहले मैं आपको एक डेमो बता रहा हूँ कि हाउ अ क्वेश्चन पेपर जनरली लुक लाइक, एक क्वेश्चन पेपर कैसे दिखता है। मैं आपको एक छोटा सा डेमो बता रहा हूँ, मैं इसके लिए मेरा स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये मेरा स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो गया है। अभी मैं जा रहा हूँ उस जगह पे जहाँ पे मैंने क्वेश्चन पेपर की लिंक संभाल कर रखी है, और ये मेरे नोट्स में है, और यहाँ पे ये मेरी लाइव लिंक है। जैसे ही इस पेपर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, उस लिंक पे मैं क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, आई होप आप सब तक मेरी आवाज आ रही होगी। अभी ये लिंक मैं क्रोम के जरिए से ओपन कर रहा हूँ, ये लिंक मेरे सामने आ रहा है। तो ये एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर है, आप देख सकते हैं जहां पर भी जो मैंडेटरी फील्ड है वहां पर नाम वगैरह पूछ रहा है। तो पहले मैं एक अपना नेम टाइप कर देता हूं, फादर नेम टाइप करता हूं, और फिर मैं जाता हूं, मान लीजिए मेरी क्लास 8th है, और मान लीजिए मेरा सेक्शन R है, और मेरा रोल नंबर 7 है, और मेरा मोबाइल नंबर फिलहाल मैं कुछ तो टाइप कर दिया हूँ, एंड आई एम गोइंग फॉर द नेक्स्ट लेवल। जैसे ही मैं नेक्स्ट लेवल पर आता हूँ तो मेरे सामने ये मेरा क्वेश्चन पेपर आ गया है। आप सब देखते हैं इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसको मुझे आंसर करने हैं, फिर मैं एक इंडिया का मैप वहां पर है, मैप देखकर मुझे आंसर्स करना है, और एन इमेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग फॉरेस्ट, ये कौन सा फॉरेस्ट है, किस टाइप का है, मुझे पहचानना है, फिर इमेज रिप्रेजेंटिंग मिनरल्स, ये सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। बच्चा इसी में आंसर देगा,
और फिर अगर मान लीजिए क्वेश्चन का आंसर देना है, अ मिनरल विच इज नॉट फाउंड इन तेलंगाना, ऐसा मिनरल है जो तेलंगाना में नहीं मिलता है, तो मे बी अगर मैं टाइप कर रहा हूँ सोप स्टोन, तो ये मेरा आंसर वहां आ गया। इस तरह से बच्चे इस पर आंसर क्लिक करेंगे। हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये कौन है आपको पहचानना है, देन हु इज दिस पर्सन आपको पहचानना है। तो इस तरह से बहरहाल क्वेश्चंस आगे जाते जाएंगे, ये सारे मल्टीपल चॉइस है। अब यहाँ पर आप खास तौर पे देखोगे कि हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड प्रोसेस समझने के लिए एक वीडियो लिंक भी यहाँ पर आई है। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एक वीडियो चालू हो रहा है, शायद इसकी आवाज आपको नहीं आ रही होगी, लेकिन जब आप क्लिक करोगे तो आपको आएगी, वीडियो की जो आवाज है मुझ तक पहुंच रही है। तो ये सारा बच्चा वीडियो देखेगा, सेशन सुनेगा और फिर इसके रिलेटेड आंसर्स करेगा। ये पूरा एक लाइव क्वेश्चन पेपर है। ये हो गया, मैं नेक्स्ट लेवल पर जा रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चे ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस दे रहे हैं, फिर उससे रिलेटेड इमेजेस भी हैं, साइक्लोन के बारे में इमेज है, और ये लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट 2019 की इमेज है, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस नीचे आ रहे हैं, और फिर मैं नेक्स्ट कह रहा हूँ तो फिल अप द ब्लैंक्स आ रहे हैं, और उसके लिए भी क्लूज यहाँ पे अवेलेबल हैं। आप इस पेपर में मल्टीपल चॉइस, ट्रू और फॉल्स, फिल अप द ब्लैंक, शॉर्ट आंसर्स, लॉन्ग आंसर्स, एस फॉलोइंग, हर चीज दे सकते हो, हर चीज इस क्वेश्चन पेपर में आप दे सकते हो। और यहाँ पे और एक वीडियो आ गई, थोड़ा सा हम देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में प्रियम्बल के बारे में बताया जा रहा है, फिर प्रियम्बल से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमको इसके आगे मिलेंगे। सो बच्चों के लिए काफी बेहतर है अगर कोई पार्ट कोई मिस भी करता है, यहाँ से उसको हमारी लाइव क्लास भी हम डाल सकते हैं, वो क्लास सुनेगा फिर उसमें से आंसर्स करेगा। इसको मैं पॉज कर रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ। So we have all these types of questions in which we can even add images, we can even add videos to this session, we can even add live demonstrations or Facebook links even can be added to this. मैं इसको submit नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पे से back आ जाता हूँ फिलहाल। तो ये वाली लिंक थी, इसमें से हमको ये पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पेपर कैसा तैयार होता है आज हम जो सीखने के लिए जा रहे हैं। So, right now I'm moving back to my session. Now, पहले बताइए क्या आप सबने मेरा स्क्रीन शेयर कंप्लीटली देखा? अगर हाँ देखा है तो आप अपने थम्स अप कर सकते हैं। Okay, great, great. तो ये वाला क्वेश्चन पेपर जो है इसके अंदर शॉर्ट आंसर्स हैं, मल्टीपल चॉइसेस हैं, इसके अंदर लॉन्ग आंसर्स हैं, और इसके अंदर वीडियोस हैं, फोटोज हैं, सारी चीजें हैं। नाउ आज हम ये सीखेंगे कि ये क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है, फिर इसको किस तरह से करेक्शन किया जाता है। अगर वक्त साथ देता है तो आज हम ये भी सीख लेंगे, नहीं तो कल हम ये सीखेंगे कि इस क्वेश्चन पेपर को हम किस तरह से करेक्शन करेंगे। मैक्सिमम आज हम ये भी ट्राई कर सकते हैं अगर वक्त साथ देता है। इस पेपर की एक खास बात ये भी है कि ये पेपर अपने आप ग्रेडिंग होकर भी आ जाएगा, यानी करेक्शन आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको याद होगा 5 सितंबर टीचर्स डे के दिन सारे इंडिया से 1.5 लाख बच्चों ने एक एसे रेटिंग कॉम्पिटिशन किया था, सेंट्रल HRD मिनिस्ट्री से आया था। वहां पे 1.5 लाख बच्चों ने जो पेपर भेजा, ओके पुष्पा लता मैडम इज रिक्वेस्टिंग मी टू स्पीक इन इंग्लिश, ओके मैम कुछ प्रॉब्लम అవుతుంది ఎందుకంటే లైక్ మల్టీ లింగ్వల్ అందరు కూర్చున్నారు ఇక్కడ ఓకే మాక్సిమం మందికి హిందీ ఈజీ ఉంది సో ఐ స్టిల్ ట్రై టు మిక్స్ అట్లీస్ట్ బోత్ ద లాంగ్వేజెస్ సో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కండక్టెడ్ వన్ ఎస్సే రైటింగ్ కాంపిటీషన్ ఇన్ విచ్ 1.5 lakh స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ ఇట్ వాస్ డన్ త్రూ దిస్ సేమ్ ప్యాటర్న్ ఆఫ్ గూగుల్ ఫామ్ ఆన్లైన్ క్వశ్చన్ పేపర్ అండ్ It was corrected just by hitting one button. That's it. एक बटन दबाया और 1.5 लाख क्वेश्चन पेपर्स करेक्शन हो गए। तो ये बहुत ही अच्छी सहूलत हमारे पास में है। तो still I'm trying. Thank you. English and Urdu कल बेटर है बोलकर ऑप्शन आ रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा दोनों जबानों को मिक्स करने के लिए। ओके सो अभी हमारे साथ में जुड़े हैं सखलेन सर, जिनको मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ यहाँ से
वो आपको दिखाएंगे कि किस तरह से एक ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है और फिर आपको एक छोटी सी सर्वे सामने रखी जाएगी। सकलेन सर, आर यू देयर? यस सर, आई एम हियर। सर, ओवर टू यू, आप स्टार्ट कर सकते हैं, प्रोसेस दिखाना किस तरह से हमारा ऑनलाइन पेपर बनाया जाता है। ओके सर, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। मैं जो है गूगल क्रोम, एक सेकंड, मैं लिंक स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आई होप यू ऑल कैन सी माय स्क्रीन। कैन यू सी माय स्क्रीन? यस यस जी, यस यहां पर, यस वी कैन सी। हम यहां पर गूगल फॉर्म्स खोलकर टाइप करेंगे, देन गूगल फॉर्म्स में जाएंगे। वी हैव टू गो टू गूगल फॉर्म्स, देन यहां पर हमारा जो है फ्रेश क्वेश्चन पेपर ऐसे आएगा। सो हम आपको इसको एडिट करना है, एडिट, एंड वी हैव टू मेक इट, पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर हमको बनाना है। सो सबसे पहले यहां पे सर, एक मिनट सर, एक मिनट जी सर। कई लोग जो आज नए जुड़े हैं उनको ये पता नहीं था कि गूगल फॉर्म उनको डाउनलोड करना है। मैं थोड़ा एक अनाउंसमेंट कर देता हूं, देन आई विल गेस एंड वी विल गेट बैक टू यू। जो दोज हु हैव जॉइंड जस्ट टुडे, वी रिक्वेस्ट यू टू, बिकॉज़ अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव नाउ 97 प्लस पार्टिसिपेंट्स, हम 100 के करीब पहुंच रहे हैं। इट्स अ ग्रेट रिकॉर्ड, 97 के ऊपर लोग ये सेशन अभी देख रहे हैं। सो जो लोग आज जुड़े हैं, वी रिक्वेस्ट यू टू डाउनलोड गूगल फॉर्म्स थ्रू गूगल ऐप, गूगल ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के जरिए से आप गूगल फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। उस पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये सर जो ओपन करे हैं ये शीट ओपन होगी, और वहां से आगे क्या करना सर आपको दिखा रहे हैं। सर प्लीज गो अहेड। ओके, हां, एक्चुअली गूगल फॉर्म का लाइक कोई भी ऑफिशियल एप्लीकेशन तो नहीं है एंड्रॉइड पर, सो वी कैन मूव विद दिस गूगल क्रोम ब्राउजर। गूगल क्रोम ब्राउजर से भी हम कर सकते हैं। सो लाइक मैं जैसे कर रहा हूँ गूगल क्रोम ब्राउजर से, सबसे पहले मैं, मुझे यहाँ पे टाइटल पूछेगा फॉर्म का, सो आई कैन एंटर, लाइक मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन पेपर की हेडिंग है, समझिए ये क्वेश्चन पेपर की हेडिंग है जो सर अभी टाइप कर रहे हैं। यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन एंटर करना होगा, लाइक यहाँ पे मैं सर्वे बोलकर टाइप कर रहा हूँ। सो हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा, लाइक यहाँ पे मैं फर्स्ट क्वेश्चन, हम एक फॉर्म लाइक सर्वे फॉर्म बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नेम पूछ रहा हूँ। तो नेम के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे, लाइक नेम के लिए मैं आपको ऑप्शन दे सकता हूँ, शॉर्ट आंसर का, पैराग्राफ का, मल्टीपल चॉइस, चेक बॉक्स, ड्रॉप बॉक्स, ये तमाम ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ऑल दीज ऑप्शंस आर अवेलेबल, सो आई एम जस्ट सेलेक्टिंग शॉर्ट आंसर, बिकॉज नेम तो वुमन शॉर्ट ही होगा। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा आपको रिक्वायर्ड का। ओके, ये रिक्वायर्ड का मीनिंग ये है कि इट इज मैंडेटरी, अगर आप ये लाइक मैंडेटरी ये क्वेश्चन, जब तक ये स्टूडेंट जो भी हो ये आगे नहीं पढ़ सकते। तो जस्ट मैं इसको मैंडेटरी कर रहा हूँ क्योंकि नेम इज डेफिनेटली मैंडेटरी। सो हमारा ये पहला क्वेश्चन, अब मुझे सेकंड क्वेश्चन बनाना है, तो व्हाट आई कैन डू इज जस्ट यहाँ पे एक कॉपी, जो डुप्लीकेट वाला ऑप्शन था ना, ये रिक्वायर्ड के थोड़ा लेफ्ट साइड में डुप्लीकेट वाले ऑप्शन को मैंने लाइक क्लिक किया तो मुझे डुप्लीकेट हो गया नेम का। तो व्हाट आई एम डूइंग इज नाउ फोन नंबर में जो है यहाँ पर पूछ रहा हूँ। नाउ इसके लिए भी शॉर्ट आंसर वी कैन प्रिफर, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं रेस्पॉन्स वैलिडेशन हैज बीन एडेड बोलकर यहाँ पर आ चुका है। रेस्पॉन्स वैलिडेशन का मीनिंग ये है कि ऑटोमेटिकली, क्योंकि फोन नंबर एक नंबर ही होता है, इफ समवन इज ट्राइंग टू एंटर वर्ड्स इट वोंट एक्सेप्ट, तो यहाँ पर रेस्पॉन्स वैलिडेशन भी हम ऐड कर सकते हैं। अगर कोई जो है लाइक नंबर लाइक वर्ड्स या फिर अल्फाबेट्स एंटर कर रहे हैं तो इट वोंट एक्सेप्ट। लेकिन ये सर एक मिनट यहाँ पे मैं थोड़ा सा एड ऑन करना चाहूंगा, वो ये है कि अगर आप लोग गूगल ऐप के जरिए से गूगल फॉर्म में कर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शंस नहीं रहेंगे, वहां पर बहुत ही सिंपल बना दिया गया है, और भी सिंपल रहे। तो गूगल ऐप के जरिए से अगर आप कर रहे हैं, आवाज तो नहीं पहुंच रही सर। जी जी जी, अनम्यूट कर लिए सर, हम अनम्यूट कर लिए अपने आपको। तो गूगल ऐप के जरिए से अगर आप, तो बड़ी आसानी से जो है ये किया जा सकता है, इसमें इतने सारे ज्यादा ऑप्शंस नहीं पूछेगा। सकलेन सर प्लीज गो अहेड नाउ। सकलेन सर आपका माइक ऑन कर लीजिए। सकलेन सर माइक ऑन कीजिए सर।
जी हाँ ऑन ऑन कर लिया हूँ जी। सर बोलते भी करिए सर। जी हाँ सर जी, फोन नंबर यहाँ पर मैं ऐड कर चुका हूँ। फोन नंबर ऐड करने के बाद नेक्स्ट जैसे कि यहाँ पे नेम हो गया, नेम के राइट साइड में आपको एक रेड कलर का स्टार मार्क लग रहा होगा, वो स्टार मार्क इंडिकेट्स दैट इट इज मैंडेटरी। नाउ फोन नंबर को भी हमने रिक्वायर्ड मैंडेटरी में रखा है। नाउ नेक्स्ट अगेन कॉपीइंग दिस, यहाँ पर कॉपी करने के बाद हम फोन नंबर के बाद प्लेस हम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए भी हम शॉर्ट आंसर ही प्रीफर कर रहे हैं, लाइक अगर हम स्टूडेंट को कोई अगर लॉन्ग आंसर दे रहे हैं तो देन वी कैन मूव विद दिस पैराग्राफ, ये पैराग्राफ यूज कर सकते हैं, बट शॉर्ट आंसर इज लाइक ओके। ओके हमारे तीन जो है क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं, नेम, फोन नंबर, प्लेस। ओके नाउ नेक्स्ट इज हम यहाँ पर एक लाइक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम एंटर कर रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, इयर्स ऑफ सर्विस, यहाँ पे शॉर्ट आंसर की जगह पर मैं मल्टीपल चॉइस ले रहा हूँ। सो यहाँ पर ऑप्शन वन आ रहा है तो मैं यहाँ पर देन 0 to 20 years। नीचे एक छोटा सा बटन नजर आ रहा है आप सभी को जिसमें ऐड ऑप्शन कहकर है, आप वहां पर क्लिक करते जाएंगे तो ऑप्शंस वो और बढ़ाते जाएगा। मल्टीपल चॉइस में आपको आप तीन चॉइस, चार चॉइस, पांच चॉइस कितने भी रख सकते हैं। तो जैसे कि सर अभी वहां पर टाइप कर रहे हैं और साथ साथ में ऐड ऑप्शन पे क्लिक कर रहे हैं, तो सर ने अभी वहां पे एक मल्टीपल चॉइस डाला है कि आपकी सर्विस कितने साल की है, 10 साल 20 साल 30 साल, आप वहां पर ऐड कर सकते हैं उसको। और ये भी सर ने रिक्वायर्ड ऑप्शन रख दिया है, यानी ये मैंडेटरी है, यहाँ पर बिना क्लिक करे आप आगे नहीं जा सकते। तो इस तरह से हम एक लाइव पेपर बना सकते हैं जी। हामिद रशीद साहब चेंज कर दिया गया है, ऑप्शन चेंज कर दिया गया है हामिद रशीद साहब जी। आगे सर जी हाँ, ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नाउ फिर से मैं जो है एक यहाँ पे प्लेस का कॉपी कर रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन चाहिए, तो लाइक इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ। ये तो लाइक अब मुझे क्वेश्चन टाइप करना है, यहाँ पर मैं लाइक ड्रॉप बॉक्स का भी लाइक ड्रॉप डाउन का भी ले सकता हूँ, जैसे कि बस मुझे दो ऑप्शन चाहिए तो मैं यहाँ पर जो है ओके यहाँ तक हमारा हो चुका है। नाउ वी कैन ऐड लाइक सेक्शंस हम इसमें बना सकते हैं, लाइक फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन। तो मैं यहाँ पर लाइक यहाँ पे इसके बाद एक सेक्शन ऐड कर रहा हूँ, तो यहाँ तक हमारा फर्स्ट सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। लाइक यहाँ पे नेम, फोन नंबर, प्लेस, इयर्स ऑफ सर्विस एंड ये जेंडर वगैरह हो गया। नाउ सेकंड सेक्शन हम यहाँ पे लाइक कुछ भी लाइक रख सकते हैं नाम इसका। यहाँ पर आप प्लस पे टैप करेंगे तो आपको यहाँ एक न्यू क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे मैं लाइक एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ, सब्जेक्ट यू टीच। तो यहाँ पर मैं फिर से एक शॉर्ट आंसर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपको लाइक ऑप्शन मिल जाएगा लिखने के लिए। अगेन इसको मैंडेटरी लाइक इसको मैं मैंडेटरी नहीं करना चाह रहा, तो आई डोंट नीड टू लाइक टॉगल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे क्योंकि मैंडेटरी मैं इसको नहीं कर रहा। तो नेक्स्ट लास्ट इज एक और क्वेश्चन टाइप कर रहा हूँ, सर साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर, सबको हम म्यूट कर रहे हैं दोबारा। मेरी साउंड आ रही है, आ रही सर, दूसरों के माइक ऑन हो गए। तो यहाँ सकलेन सर ऑन कर लीजिए आपका माइक अब आप। सर आरिफ सर ये लास्ट 10 मिनट से बोल के बता रहा था, क्या सोचा है क्या सर? अगर सेशन बढ़ता नहीं है तो हम रीज्वाइन कर सकते हैं दोबारा। सर आई कांट एबल टू हियर योर वॉइस, एक बार बोल दीजिए। वेट मैम, वेट सर, साउंड क्लियर नहीं आ रहा सर साउंड। जी सर अभी अनम्यूट करें हमें सबको।
सर एक बार दे दो सर आदित्य सर अब अगर सेशन रिजाइन करने के लिए। जी जी सर बिल्कुल। सकलेन सर आपका माइक ऑन कर लीजिए। जी सर हाँ ऑन है। हाँ यहाँ पर जैसे कि मैंने लाइक इसमें हाउ आर यू कनेक्टेड विद आइटम में जैसे कि मैंने ऑप्शंस दिए हैं वेल विशर डिस्ट्रिक्ट मंडल पीएसपी स्टेट मेंबर। आप अगर चाहे तो कुछ और ऑप्शंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं लाइक ये अदर वाला ऑप्शन भी है कुछ जो है आप ऐड कर सकते हैं। तो यह हमारा फॉर्म आप किस बेसिस पे कह रहे हैं ये मतलब किस एक क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ रहे हैं आप? नहीं नहीं ये क्या टॉपिक पर बोल रहे हैं आप? मैम क्वेश्चन पेपर कैसे बनाना ये बताया जा रहा है। एक क्वेश्चन पेपर कैसे बनाया जाता है बता रहे हैं सर। साथ ही साथ में हम सर्वे भी कर ले रहे हैं क्योंकि हमें सर्टिफिकेट्स बनाना है सभी के। अच्छा शुक्रिया कोई बात नहीं। सकलेन सर एक चीज वहाँ पे जोड़िए एक खाली मेंबर बोलकर एक ऑप्शन जोड़िए एक मेंबर बोलकर। जी सर ओके यस सर टाइम हमारे पास कम है सकलेन सर इसको शेयर कर दीजिए जल्दी आप। जी हाँ सर हाँ एक चीज ये है कि जब आप लाइक ऑटो करेक्शन के लिए जब कर रहे हो तो ये तो हम ऑटो करेक्शन के लिए नहीं बनाए लेकिन जब ऑटो करेक्शन के लिए आप कर रहे हो तो आपको एक चीज का ख्याल रखना है। यहाँ पे सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे क्विजेस में जाने के बाद इसको ऑन करना है। जो मेक दिस क्विज का ऑप्शन है यू हैव टू लाइक टॉगल करके आपको ऑन करना है अदरवाइज इट वोंट डू ऑटो करेक्शन। सो आपको ये चीज का ख्याल रखना है। और इसके अलावा जो रिलीज ग्रेड है इसमें आप सेकंड ऑप्शन जो है चूज कर सकते हो अगर आपको स्टूडेंट्स को इमीडिएटली रिजल्ट नहीं बताना है तो। सो मैं अभी तो इसको ऑन नहीं कर रहा हूँ। ओके नाउ व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शेयर दिस। ओके ये सेकंड वाला जो है दिस इज द लिंक। तो हम ये लिंक बहुत बड़ी है सो व्हाट वी कैन डू इज यहाँ पे एक ऑप्शन है शॉर्ट एंड यूआरएल बोलकर। सो आई एम जस्ट टैपिंग ऑन दिस। ये टैप करने के बाद मुझे एक छोटी यूआरएल आ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं। इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ आप सबके साथ में। सर एक मिनट सर कॉपी करके जरा रोकिए सर। हाँ बैक स्क्रीन रेस्पॉन्सेस। हाँ रेस्पॉन्सेस कहने बताएंगे तो अब आपका जब ये क्वेश्चन पेपर तैयार हो जाएगा तो आपको ये जानना है कि आपके कितने बच्चों ने इसको आंसर्स किया। तो आप देख रहे हैं ऊपर स्क्रीन पे क्वेश्चन के बाजू में रेस्पॉन्सेस बोलकर है फिलहाल वहां पे कोई नंबर्स नहीं है। तो जैसे ही बच्चे इसके आंसर्स देने जाएंगे जीरो रेस्पॉन्सेस से हट जाएगा और यहाँ पे आपको नंबर ऑफ रेस्पॉन्सेस आ जाएंगे और जिन लोगों ने भी आंसर्स किए हैं वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्प्ले में आ जाएगी। ओके तो आपको क्वेश्चन पेपर भी नजर आ जाएगा और बच्चों के आंसर्स भी यहाँ नजर आ जाएंगे और क्वेश्चन पेपर करेक्शन होकर भी आ जाएगा। ओके सर गो अहेड। एग्जैक्टली ये जीरो रेस्पॉन्सेस के राइट साइड में आपको छोटा सा एक लाइक स्प्रेडशीट का लोगो दिख रहा होगा लाइक प्लस। सो अगर आप यहाँ पे ये रेस्पॉन्सेस को स्प्रेडशीट यानी कि आपकी एक्सेल शीट में आप चेक करना चाहते हो तो आप इसको जो है कैन यू सी माय स्क्रीन? नो वी केम आउट ऑफ इट बाहर आ गए हम। अच्छा अच्छा स्क्रीन एक सेकंड सर मैं स्क्रीन। ओके तो आप उसमें जाइए तब तक। राइट ग्रेट। जी हाँ जीरो रेस्पॉन्सेस के जो राइट साइड में आपको लाइक स्प्रेडशीट का सिंबल आ रहा है वो सिंबल से आप लाइक उसमें उसके क्लिक करने के बाद लिंक टू एक शीट लिंक टू शीट बोलकर आपको ऑप्शन बताएगा। अभी तो क्योंकि हमारे पास जीरो रेस्पॉन्सेस इसलिए नहीं बता रहा है लेकिन जब आ जाएगा तो आप जो है वहां पर पूरे स्टूडेंट्स के रेस्पॉन्सेस चेक कर सकते हो। लाइक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ यहाँ पे जैसे कि मैं एक लाइक एग्जाम्पल एक मैंने क्वेश्चन बनाया था जिसमें मैंने टू क्वेश्चन ही दिए थे तो यू कैन सी स्कोर वन आउट ऑफ टू। यहाँ पर आपको स्कोर बता देगा ऐसा लाइक वहाँ पे टाइम बता देगा फिर क्वेश्चन बताएगा आंसर बताएगा यहाँ पे आपको स्कोर बताएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं 20 मार्क्स का क्वेश्चन बता रहा हूँ तो स्टूडेंट को 15 आ रहे हैं तो 15 बाई 20 बोलकर स्कोर भी बता देगा ऑटो करेक्शन में। तो आप ये एक्सप्लोर कर सकते हो इसको। ओके ये हमारा नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट के लिए हम अभी ये लिंक आप सभी को भेज रहे हैं बट देयर इज अ चांस कि हमारा सेशन एंड हो जाए 40 मिनट्स पे तो हम दोबारा इसको रिज्वाइन कर लेंगे हम ये सेशन दोबारा स्टार्ट कर लेंगे। तो आप परेशान ना हो बिल्कुल क्योंकि ये अभी एक सर्वे हम भेज रहे हैं अभी सर आपको एक लिंक भेजेंगे आप उस लिंक पर क्लिक करिए आपको उस पे आंसर्स देने की जरूरत रहेगी। ओके सर मैं स्क्रीन शेयर स्टॉप कर रहा हूँ लिंक शेयर करने के लिए। वेब यू आर एल यहाँ पर हमको वेब यू आर एल शेयर करने का ऑप्शन मिल रहा है मेरा शेयरिंग। आई होप आपको आ चुकी होगी लिंक।
कुछ चैट सर वेब पेज नॉट अवेलेबल करके ऑप्शन आ रहा है जी हाँ बताएं लाइव लिंक डालने की कोशिश कर रहे हैं सर उसपे जी हाँ मैंने क्या आ रहा है देखिए स्क्रीन पर आ रहा है देखिए उस पर क्लिक करिए जो स्क्रीन पर आ रहा है उस पर क्लिक करिए क्लिक कर दिया सर हाँ क्रोम पर जाइए उसके बाद वो वेब पेज खुलेगा आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ गया देखिए अभी लिंक सकले सर दोबारा एक बार लिंक सेंड करिए प्लीज जी हाँ शेयर कर रहा हूँ सर मैं आपको बताता हूँ जस्ट एक मिनट स्क्रीन शेयर करके मैं आपको बताता हूँ जस्ट ए मिनट यहाँ पर एक सेकंड सर सर मैक्सिमम पार्टिसिपेंट की लिमिट जो है क्या वो इंक्रीज कर सकते हैं क्या सर 100 मेंबर्स हो गए कुछ मेंबर्स के पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं ओके सर मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ से कुछ हो सकता है देखने के लिए बट आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट लेट मी ट्राई फ्रॉम हियर सर कैन यू ऑल सी माय स्क्रीन यस यस हाँ तो यहाँ पर लिंक इस तरह हमको टैप करना है टैप करने के बाद दो तीन सेकंड होल्ड करने के बाद कॉपी मैसेज का ऑप्शन देगा जैसे कि मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया कॉपी करने के बाद मैं जाऊंगा ब्राउजर में मेरे अब कौन सा ही ब्राउजर यहाँ पे मैं डीओ टैप में जाऊंगा मैं यहाँ पे पेस्ट करूंगा मेरे लिंक की कॉपी उसके बाद मेरा फॉर्म खुल जाएगा दिस वे यू कैन डू इट जो हमने अभी फॉर्म बनाया ना कैन यू सी ऑन माई स्क्रीन ओके जी ऐसे आपको करना है क्योंकि ये मैंडेटरी है स्टार वाले जो क्वेश्चन So not proceed without entering these details. आप यहाँ पर देख सकते हैं this is a required question बोलकर बता रहा है तो आप सब लोग जो है ये you can copy this link which I have shared with you all. So you can copy and fill this form. Excuse me, sir. Chat में जाइए मैम chat में link available है देखिए लिंक नहीं है सर लिंक नहीं है एक्सक्यूज मी सर आपके स्क्रीन पे नीचे मोर बोल के जहाँ पे तीन डॉट्स नजर आ रहे हैं आपके नाम पे क्लिक करिए साइड में आपको मोर बोलकर तीन डॉट नजर आ रहे हैं जी उन तीन डॉट पर क्लिक करिए वहाँ पे आपको चैट मिल जाएगा पार्टिसिपेंट पे क्लिक करिए आप पार्टिसिपेंट में चैट में है देखिए पार्टिसिपेंट में चैट में जाइए ऊपर है लिंक नहीं आ रहा सर ऊपर नीचे स्क्रॉल करिए सर ऊपर नीचे स्क्रॉल कीजिए हेल्प चैनल लिंक नीचे खींचे लिंक मिलेगा आपको ऊपर है नहीं मिल रहा सर मैसेज सर फिर भेजिए सर मैं फिर से पेज पर छोटा सा क्वेश्चन है लिंक जो है हम ग्रुप में डाल देंगे लिंक को कॉपी कीजिए और किसी ब्राउजर पर जाकर पेस्ट कीजिए मैं कर चुका हूँ सर देख लीजिए सर इसके लिए ब्राउजर गूगल फॉर्म होना जरूरी है सर इसके लिए ब्राउजर नहीं जरूरी नहीं है क्योंकि गूगल में चाहिए नहीं आ रहा है अरे सर जी सर हम इसको ये लिंक जो है हम ग्रुप में डाल देंगे ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे बरे जी जी ठीक है जिसको लिंक आ चुका है वो सर्वे कंप्लीट कर लीजिए सर दिस एक्सक्यूज मी जी हेलो सर फिर से वो लिंक भेजिए सर आपको समझ में नहीं आया सर माँ को भी समझ में नहीं आया एक मिनट मैम अभी जरा लोग जुड़ रहे हैं जरा रुक जाइए सर आप को होस्ट बन चुके हैं सर ये क्वेश्चन पेपर कॉपी करने के लिए गूगल फॉर्म होना जरूरी है ओके थैंक यू सर सर ये सर्वे फॉर्म कॉन्फिडेंशियल रहेगा इस ग्रुप के हद तक या और कॉन्फिडेंशियल सर ये फॉर्म में जो अभी अपन पूरा नाम फोन नंबर सब ऐड करना जरूरी है
अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो हमें ये डिटेल्स चाहिए ना मैम, आपके नाम वगैरह नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो अभी व्हाट्सएप नंबर दीजिए, बोलिए सर व्हाट्सएप नंबर दीजिए ताकि हम व्हाट्सएप कर दें सर्टिफिकेट। या अगर मैम, या फिर आप अपने सर के पास भेज सकते हो, हम आपके सर के पास भेज देंगे। आप सर का डिटेल भी डाल सकते हो, सर का नंबर डाल सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर गेटिंग प्रीटी नाइस रिस्पॉन्सेस, 40 के करीब पहुंच गए हैं करीब, एंड लोग भी वापस जुड़ रहे हैं पार्टिसिपेंट। अभी अभी एक न्यूज आई है कि 100 के ऊपर लोग होने से स्टॉप हो चुके, लोग और वेटिंग में थे, हम वो नंबर्स और नहीं बढ़ा पा रहे हैं, 100 के ऊपर हम नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन कंटिन्यूअसली लोग के मैसेज आ रहे हैं कि उन्हें ज्वाइन होना है इस मीटिंग में। वी आर रियली सॉरी, ये 100 लोगों से ज्यादा हम नहीं पढ़ा सकते एक बार में। लिंक मैंने अभी फिर से लिंक पेस्ट कर दी है, यू कैन सी आई हैव शेयर्ड द लिंक वंस अगेन। ओके अखिलेन सर, दोबारा लिंक भेजी जा सकती है क्या, कुछ लोग को अभी भी चाहिए? जी सर, मैंने अभी दोबारा से सेंड कर दी है लिंक, फिर भी मैं और एक बार सेंड कर रहा हूँ। सर लिंक को कॉपी कर चुके हैं, दोबारा उसको चालू। हेलो सर, लिंक को कॉपी कर चुके हैं, दोबारा उसको चालू करने के लिए वहीं से जाना होगा ना, जहां हम कॉपी किए थे वहीं पर से? हाँ, बस लिंक पे आप क्लिक कर दीजिए, आप सर्वे जब कंप्लीट कर देंगे ना, आप जूम पर वापस आ जाइए। जी जनाब, जी माशाल्लाह सर, सर्वे बहुत अच्छा चल रहा है, काफी लोग इसको कंप्लीट कर रहे हैं। सर हम कॉपी कर लिए, बट हमको क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहा ना सर। मैम उस लिंक पे क्लिक कीजिए, वो लिंक को आप गूगल क्रोम पर जाकर पेस्ट करके क्लिक कर दीजिए। सर इसमें लास्ट ऑप्शन हाउ आर यू कनेक्टेड विद AIITA बोलके है ना, तो उसमें हम तो हमारे सर के थ्रू कनेक्ट हुए, उसमें कुछ भी। आप वेल विशर पे क्लिक कर दीजिए मैम, आप वेल विशर पे। थैंक यू इमरान रसूल साहब फॉर दैट सजेशन, थैंक यू इमरान साहब। सकलेन सर, कैन यू शो द रिस्पॉन्सेस नाउ? यस सर, श्योर, यस सर, आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन हियर। I'm sharing my screen here. Okay. I can you see my screen? Yes, yes. Sir, we can. Okay. Now here, यहाँ पे questions का जो हमने बनाया था वो है responses, हम 51 responses हमें आ चुके हैं। तो यहाँ पर like charts के जरिए like graphical representation है कि ये कैसा आया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 51 responses आए हैं, phone numbers, फिर उसके बाद places। यहाँ पर देख सकते हैं कि हैदराबाद से सबसे ज्यादा like लोग इसमें enter करे हैं। Years of service में आप चार्ट के थ्रू देख सकते हैं कि 45.2% जो है 0 to 10 years, like ये यहाँ पर हम देख सकते हैं जेंडर के बारे में रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर सेक्शन 2 में सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं, लाइक यहाँ पर साइंस सोशल के सबसे ज्यादा लाइक टीचर्स यहाँ पर 50 रिस्पॉन्स में से, हाँ यहाँ पे आप परसेंटेज देख सकते हैं। अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्स हाउ वी कैन चेक इज, यहाँ पे आपको थर्ड वाला ऑप्शन दिख रहा होगा इंडिविजुअल, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो लाइक पूरे ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे इंडिविजुअल में। यहाँ पर क्वेश्चंस रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर समरी रहेगी टोटल। तो इसको आप सेम जो है ये जो प्लस वाला आइकन है, जो लोगो है, वहां से आप जाकर एक्सेल शीट में कर सकते हैं, लाइक स्प्रेडशीट का जो मैंने आपको बताया था उसमें आप चेक कर सकते हैं। मैं अभी जस्ट गिव मी सम फ्यू मिनट्स, मैं स्प्रेडशीट रेडी करके आपको फिर से स्क्रीन शेयर करता हूं। जस्ट वेट होल्ड द स्क्रीन हियर ओनली। You all can see on this question paper, there are right now 54 responses. 54 लोगों ने जवाब दिए हैं, answers भेज दिए हैं, आप कुछ और type भी कर रहे हैं। So now,
हमारे सेक्रेटरी साहब आइटा मुमताज साहब ने भी सबमिट कर दिया है फॉर्म ग्रेड। अदर्स म्यूट योर माइक प्लीज, अदर्स म्यूट योर माइक। अब देखिए यहाँ पर एक बटन है जिसपे लिखा है एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस, 57 रेस्पॉन्सेस के नीचे है वो बटन एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस। ये जो है ना, ये बहुत खास बात है इस बटन की, वो ये है कि मान लीजिए आप ये टेस्ट बच्चों को संडे के दिन देना चाह रहे हो 10 बजे से 12 के बीच में, जब बच्चा घर पे है और उसके पास फोन अवेलेबल है तब वो करे, तो आप क्या करोगे, ये एक्सेप्टिंग वाला रेस्पॉन्सेस वाला बटन अभी जो ऑन है ये संडे 10 बजे ऑन करोगे और फिर 12 बजे इसको आप ऑफ कर दोगे। तो उसके बाद अगर कोई आंसर्स देना चाह भी रहा है तो नहीं देगा। फॉर एग्जाम्पल अभी सकलेन सर एक सेकेंड के लिए उसको ऑफ करिए, सिर्फ एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्सेस को ऑफ करिए। अब देखिए रेस्पॉन्सेस आना बंद है, अब जितने भी लोग ट्राई कर रहे होंगे ना कोई आंसर हमें नहीं आएगा, उनके रेस्पॉन्सेस रुक जाएंगे। हम इसको वापस चालू कर रहे हैं, ऑन करते हैं, तो वी गॉट 61 रेस्पॉन्सेस और रेस्पॉन्सेस नामों के साथ में नीचे आ जाएगा सबके साथ में। सर हम क्रोम पे गए तो भी हमको नहीं आ रहा क्वेश्चन पेपर। मैम आप वो लिंक कॉपी करके उसको क्रोम पे पेस्ट करके उस पर क्लिक कीजिए, बस आ जाएगा। लिंक कॉपी पेस्ट ऑन क्रोम एंड क्लिक। यहाँ पर सर रोके, जरा ग्राफ करने लाके रोके सर प्लीज, नीचे की तरफ लाके रोके। मैम आपका माइक ऑफ कर दीजिए प्लीज, आपकी आवाज सभी 80-90 जनों को आ रही है प्लीज। ओके थैंक यू। नाउ अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ग्राफ आए हैं ये पाई ग्राफ है, इसके बदले में हम यहाँ पे बार ग्राफ ले सकते हैं, लाइन ग्राफ ले सकते हैं, कोई भी दूसरे सिस्टम का ग्राफ भी हमको चाहिए तो हम ले सकते हैं। हो गया। अब यहाँ पे खास बात ये है, हमारा ये सेशन जो है आप देख सकते हैं कि लेडीज टीचर्स ज्यादा देख रहे हैं और जेंट्स स्टाफ कम है, ये भी हमको यहाँ मालूम हो गया। प्लस साथ ही साथ में सर माइक ऑन कर लीजिए सर, कर लिया हूँ। साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि इसमें सब्जेक्ट वाइज कौन से टीचर्स ने ज्यादा आंसर्स दिए, हम ये भी देख सकते हैं। एंड इसके अंदर देखिए जो बार ग्राफ नीचे अभी आ रहा है, विच सब्जेक्ट यू टीच में यू विल फाइंड दैट व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल आर देयर। इवन वी गॉट गुड रेस्पॉन्सेस फ्रॉम उर्दू टीचर्स, जो उर्दू पढ़ाते हैं उनसे भी हमें आज बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आया है। नेक्स्ट पे है मैथ वाले टीचर्स और उसके बाद में बायो साइंस वाले टीचर्स। तो ये बहुत ही प्यारी बात, एक क्वेश्चन पेपर का इतना डिटेल एनालिसिस हम बैठे बैठे विदाउट डूइंग एनी वर्क नहीं कर सकते। तो अब कर्सर थोड़ा स्क्रीन पे इस्तेमाल करना मुश्किल है, थोड़ा हमको प्रॉब्लम है। जरा ग्राफ नीचे लाइए सर। हाँ यहाँ पे देखिए, हाउ आर यू ऑल कनेक्टेड विद आयटा, तो यहाँ पे आपका आयटा से कनेक्शन कैसा है। आज हमें खुशी हो रही है देख के, कई आज ऐसे मेंबर्स यहाँ पर हैं जो हमारे वेल विशर्स हैं। 36.9% जो ऐसे लोग हमारे साथ जुड़े हैं जो आयटा के मेंबर्स नहीं है लेकिन फिर भी घर बैठे ये कोर्स सीख रहे हैं। तो आपकी आपके लिए गुड न्यूज मैं ये भी दे दूं कि ये कोर्स खत्म नहीं हो रहा है, इसका मॉड्यूल 1 इंशाल्लाह कल तक खत्म हो जाएगा और फिर एक दो दिन का गैप रहेगा, फिर कोई और चीज लेकर हम आएंगे जिसे हम सिखाएंगे। होपफुली यूट्यूब पे चैनल्स कैसे बनाना, होपफुली लॉकडाउन के दौरान लीडरशिप के क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, होपफुली जो अवेलेबल रिसोर्सेस है उनको लेकर कैसे पढ़ाई की जा सकती है, ये सब हम सिखाएंगे। तो आप और दूसरी खुशी की बात इसमें ये है कि इसमें जो नॉर्मल मेंबर्स हैं वो लोग भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी उनके डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स ने उन तक बात को पहुंचा दी है। देन अब जो लोग पीएसटी मेंबर्स हैं वो बहुत कम है, बट एट द सेम टाइम डिस्ट्रिक्ट मंडल के लोग जो ऑरेंज जोन में 14% है। सो दैट्स अ ग्रेट एनालिसिस। सकलेन सर ओवर टू नाउ द रिस्पॉन्सेस। शीर अहमद साहब का सुझा रहा है डेस्कटॉप यूज करके अगर हम कर्सर यूज करें तो कर्सर से बताना और बेटर रहेगा। सर आपको हम बता दें, एक्चुअली हम लैपटॉप इसलिए नहीं यूज कर रहे हैं क्योंकि आज जो लोग हिस्सा ले रहे हैं पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें कई लोग सिर्फ सेलफोन के जरिए से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके घरों में लैपटॉप नहीं है, वो सिर्फ सेलफोन के जरिए से ही करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए हम खुसूसी तौर पर उनकी सहूलत के लिए सेलफोन के जरिए से ट्रेन कर रहे हैं। ओवर टू सकलेन सर। जी हाँ सर, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स, मैं अभी ये स्प्रेडशीट पे लिंक करके मैं आपको अभी रिस्पॉन्सेस बताता हूँ। ठीक है सर, तो इस बीच में अगर हमारे साथ में अनवर खान साहब नेशनल वाइस प्रेसिडेंट नेशनल प्रेसिडेंट मौजूद हैं तो हम उनसे बात कर लेते हैं। अनवर खान साहब आप मौजूद हैं क्या?
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत 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 इंतहा मुसरत हो रही है कि हमारी जो आईटा टीम, क्या कहना चाहिए, टेक्नो एकेडमी आईटा टेक्नो एकेडमी बहुत ही सतर्क है बावजूद कोविड 19 के, और बहुत अच्छा आपने ये फैसला किया है। बहरहाल जी चाह रहा था कि हम भी शामिल हो जाएं, मैं सिर्फ दूर से है ना कि देखने वाले की तरह देख रहा था, ऑब्जर्वर की तरह। आज असगर साहब तवज्जो दिलाए और मुमताज साहब भी तवज्जो दिलाए, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल बहुत ही क्या कहना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट है, अपॉर्चुनिटी है कि टेक्नोलॉजी के जरिए से हम किस तरह अपने प्रोफेशनल को जिंदा रख सकते हैं, एक्टिव रख सकते हैं, और किस तरह इसको हर नूक एंड कॉर्नर तक पहुंच सकते हैं, और खुसूसन टीचर्स फील्ड में जो हैं उनको बिजी रख सकते हैं, और फिर नए अंदाज से वो अपने स्टूडेंट वर्ल्ड के साथ जो है जुड़ सकते हैं। एक बहरहाल क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो एटमॉस्फेयर अल्हम्दुलिल्लाह इसके जरिए से क्रिएट होता है। सभी हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, और बहुत अच्छी बातें हैं, सवाल कर रहे हैं इसमें दरमियान में, टिप्स आ रहे हैं वगैरह वगैरह। बहुत बहुत मुबारक आप सबको। बहरहाल एनालिसिस में काफी बातें हमारे सामने आई कि कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनमें कैटेगरीज कौन से हैं, बाज़ाब्ता ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता लोग और दूसरे टीचर्स वगैरह। तो उम्मीद है कि एक जरिया बनेगा आईटा की जो टीचर की दिल को छूने वाली बात है, टीचर तक पहुंचने वाली बात है, इंशाल्लाह इसके जरिए से पहुंचेगी, लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे उनके अपने फायदे के लिए, उनके अपने फायदे के लिए, उनके फील्ड के फायदे के लिए, प्रोफेशन के फायदे के लिए। मैं मुबारकबाद देता हूँ टीम आईटा और पर्टिकुलरली आईटा तेलंगाना और उसके टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर हैं आरिफ साहब। आरिफ साहब के सिलसिले में हम इतना कहें कि वो मुहावरा पूरा आता है, कितने दूर कितने पास, बावजूद हम बिल्कुल करीब हैं मोहल्ले में, पता नहीं अब वो घर से बोल रहे हैं या स्कूल से ही रहे होंगे। घर से बोल रहा हूँ। अच्छा, घर से कंडक्ट कर रहे हैं, माशाल्लाह। घर से भी तो कोई, घर भी कोई दूर नहीं है, तो देखिए टेक्नोलॉजी कितना खरीब कर दी है। डायलॉग तो किसी वक्त यूज हुआ था, कितने दूर कितने पास। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुबारक है, बहुत बहुत प्रोफेसर आरिफ साहब के जरिए निगरानी जो है बहुत अच्छा चल रहा है। आई विश ऑल द पार्टिसिपेंट्स वेरी हैप्पी। सर थोड़ा माइक अनम्यूट कर लीजिए, सर आपका माइक थोड़ा अनम्यूट कर लीजिए। ओके, ये थे प्रोफेसर अनवर खान साहब, ही इज द ऑल इंडिया प्रेसिडेंट फॉर आईटा। Those who are new for this organization, let me tell you, AITA is All India Ideal Teachers Association, and it is active, very active in 18 states all over India. It is registered from Delhi, from the center, and from where we generally work. Or AITA Telangana mein bahut zyada hi active hai. Or the present thing what we are doing is doing on the platform of AITA Telangana, and our head office is located in Chitta Bazar. And if anybody wants to become the member of AITA, yes, you can, with the help of your school principal. If you can request your school principal, they can help you in becoming the member of AITA.
we generally conduct this kind of programs very oftenly, but because of lockdown situation, we are doing online right now. So, okay, back to Sakhalin, sir. Are you ready? Yes, sir, I'm ready. Okay, sir, there is a question. किसी ने question किया है कि क्वेश्चन पेपर लाइक ये हमने जो फॉर्म बनाया है वो सबमिट हुआ है वो कैसे पता चलेगा. तो मैं ये बता दूं कि जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपको बताएगा योर रेस्पॉन्स हैज बीन रिकॉर्डेड. इसका मतलब ये है कि आपका आपके आंसर्स हमारे पास आ चुके हैं. और एक क्वेश्चन ये हुआ है कि प्लीज डेमोन्स्ट्रेट ऑन हाउ टू इवेल्युएट शॉर्ट आंसर्स एंड एसे आंसर्स इन अवॉर्डिंग पॉइंट्स. देखिए अगर आप ऐसे आंसर्स या फिर अगर शॉर्ट आंसर्स इवेल्युएशन करते हैं या ऑटो करेक्शन के लिए उसमें जो है डालते हैं, तो इसका एक प्रॉब्लम यह है कि अगर स्टूडेंट अगर एक छोटा सा भी लाइक स्पेलिंग मिस्टेक करेगा तो आपको जो है पूरा आंसर पूरा उसका जीरो मार्क्स आ जाएंगे. तो ये सर सॉरी टू इंटरप्ट यू, थोड़ा इसमें एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा मैं, वो ये है कि टुमारो विद अस अ लेडी विल बी जॉइनिंग मिस स्वप्ना. मिस स्वप्ना इज ए गूगल सर्टिफाइड टीचर और उनके यहाँ एक ऐप होता है जिसको हम कहते हैं फ्लूबेरू. फ्लूबेरू जो है ये एक ऐप है जिसके थ्रू आप शॉर्ट आंसर्स लॉन्ग आंसर्स को भी करेक्शन कर सकते हैं. तो टुमारो मिस स्वप्ना फ्रॉम गूगल विल बी ज्वाइनिंग अस. जी इज शी सर्टिफाइड टीचर एंड शी वर्क्स फॉर फीनिक्स ग्रीन स्कूल. फीनिक्स ग्रीन स्कूल की आप ICT की हेड है. वो हमारे साथ कल जुड़ेंगी और कल वो हमें सिखाएंगी कि लॉन्ग आंसर्स को फ्लूबेरू के जरिए से किस तरह से करेक्शन किया जा सकता है. तो ओवर टू सकलेन सर अगेन. ओके सर. ओके किसी ने पूछा कि ये लिंक हम कहाँ पेस्ट कर सकते हैं, तो स्टूडेंट से ज्यादा व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हो ये गूगल फॉर्म की लिंक, या अगर जूम पर क्लास ले रहे हो तो जूम में जैसे कि मैंने चैट में शेयर किया है वैसे आप कर सकते हो. तो मैं आपको अब रेस्पॉन्सेस बता रहा हूँ. आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन. ओके यहाँ पर मैंने लाइक उसको शीट से लिंक कर दिया है. यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे होम पेज पर एक शीट्स का जो है फॉर्म है. यहाँ पर जो है फर्स्ट वाला मेरा फॉर्म है अनटाइटल्ड फॉर्म 2. मैंने उसका कुछ टाइटल नहीं रखा इसलिए अनटाइटल्ड बता रहे हैं. यहाँ आप देख सकते हैं जितने भी लोगों ने अभी फॉर्म फिलअप किया आप सबके नाम देख सकते हैं. यहाँ पर पूरे नेम्स अवेलेबल है. इस तरह से स्टूडेंट्स के भी यहाँ पर अगर हम स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पर इस तरह से पूरे नेम्स बताएगा स्टूडेंट्स के. इसके लाइक ये पूरा लाइक ग्रुप डेटा आपको मिलेगा यहाँ पर पूरे. यू कैन चेक योर नेम्स. आप यहाँ पर आपका नाम चेक कर सकते हैं. यहाँ पे फिर फोन नंबर्स आएंगे. फिर उसके बाद लाइक प्लेस आएगी जैसे कि यहाँ पे डोली चौकी, आदिलाबाद, गोलकुंडा, भोपाल. यहाँ से बहुत सारे यहाँ पर आप प्लेस चेक कर सकते हो. यहाँ पर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आप देख सकते हो जो कि हमने मल्टीपल चॉइस में दिया था. ओके लाइक जेंडर, उसके बाद लाइक सब्जेक्ट यू टीच. यहाँ पर बहुत सारे रिस्पॉन्सेस हमें मिले हैं लाइक मैथमेटिक्स, सोशल स्टडीज, इकोनॉमिक्स. ओके यहाँ पर उसके बाद लाइक हाउ आर यू कनेक्टेड विद डाटा के बहुत सारे रिस्पॉन्सेस मिले हैं जो हम चेक कर सकते हैं. अगर हम स्टूडेंट्स को वन वर्ड आंसर देते हैं तो वन वर्ड आंसर हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं. तो लाइक मेन क्वेश्चन तो यही हो रहा है कि वन वर्ड आंसर्स को इवेल्युएट कैसे किया जाए. तो वन वर्ड आंसर्स को इवेल्युएट करने के लिए आपको जो है मैं एक बता देता हूँ. यहाँ पर वी हैव रिसीव्ड 71 रिस्पॉन्सेस. एग्जाम्पल मैं यहाँ पे क्वेश्चन राइट करके आपको बताता हूँ. सर हम दोबारा भी एंटर करें सर. आई हैव सबमिटेड अगेन वन मोर टाइम. ओके ओके मैम नो वरीज, वी विल गेट इट. थैंक यू. वी विल गेट इट, नो इश्यूज. थैंक यू. ओके मैम. ओके जैसे मैं यहां पर ये क्वेश्चन को जो है डुप्लीकेट लाइक कर रहा हूं. मुझे रिस्पांस वैलिडेशन के लिए पूछा गया तो मैं इसका बता रहा हूं. जैसे कि मैं यहां पे कुछ क्वेश्चन ऐड कर रहा हूं. एग्जाम्पल जस्ट एग्जाम्पल के लिए यहां पर मुझे अगर रेस्पॉन्स लाइक क्विज का ऐड करना है तो यहाँ पे तीन ऑप्शन या कितने भी ऑप्शन आप एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है. यहाँ पर सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन के जो राइट साइड में क्विजेस का ऑप्शन लग रहा है यहाँ पर आपको इसको ऑन करना है. ओके मेक दिस एस क्विज. तो मैं इसको ऑन करके आपको जस्ट बता रहा हूँ. तो आपको ये रिलीज ग्रेड में क्विज ऑप्शंस के नीचे जो आपको ग्रेड रहा है उसमें आपको लेटर आफ्टर मैनुअल रिव्यू पे आपको चेक करना है. ओके तो मैं फिलहाल तो उसको नहीं कर रहा हूँ. यहाँ पे स्टूडेंट्स कैन चेक किए मिस्ड क्वेश्चंस कितने हैं तो उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन जस्ट मैं आपको ये बता रहा हूँ. तो मैंने जैसे कि अभी ऑन कर दिया उसको, क्विज बना दिया. तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि
करेक्ट आंसर कौन सा है, मैं यहाँ पर ओके एक्चुअली ये स्टार्टिंग में ही हमको जो है ऐड करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है जो मैंने क्विज का जो बताया है जी, स्टार्टिंग में ही फॉर्म जब हम बनाते हैं तो वही टाइम पे हमको ये करना होगा जैसे मैं आपको यहाँ पर बताया था। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। हम लोग एक काम करते हैं सर, हम लोग इसको आज जो है ना सेशन का टाइम करीब आ रहा है, 4 बजे हमको क्लोज करना था, तो सर हम इसको आज आज हैंड ऑन कर लेते हैं जैसा आप सिखाए हो। हमारे मेंबर्स क्या करेंगे, इस पर जाकर एक बार वो लोग खुद से एक क्वेश्चन पेपर बनाने की कोशिश करेंगे, और जब क्वेश्चन पेपर बनाएंगे तो जाहिर बात है कुछ डाउट्स क्वेरीज और आएंगे, तो वो फिर कल के सेशन में वो लोग पूछेंगे हमसे। जी सर, यहाँ पे एक मिनट, इस जगह पे थोड़ा प्लेसेस पे ले जाइए, रेस्पॉन्स में थोड़ा प्लेस वाली जगह पे ले जाइए। नाउ यू कैन सी यहाँ पे रेस्पॉन्स में हम देख रहे हैं कि जो प्लेस हमारी है जहाँ पर लोग कहाँ कहाँ से जुड़े हमको यहाँ पे नजर आ रहा है, तो पीपल आर देयर फ्रॉम जहीराबाद, निजामाबाद, भोपाल, भोपाल से हमारे पास लोग जुड़े हैं, दैट्स ग्रेट, भोपाल से 4-5 लोग जुड़े हैं, हम आप सबको वेलकम करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन दिस सेशन। आदिलाबाद, निजामाबाद इज देयर, ग्रेट ग्रेट, और हमारे पास जहीराबाद से लोग हैं, ऑल ओवर फ्रॉम तेलंगाना, दैट्स सो ग्रेट, ऑल ओवर फ्रॉम तेलंगाना वी हैव लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम भोपाल हु हैज जॉइंड टुडे। थैंक यू सकलेन सर, आप अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप कर लीजिए, वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस सेशन फॉर टुडे, टाइम ज्यादा निकल रहा है। थैंक यू नसीरुद्दीन साहब जो भोपाल से जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। आज के सेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस अगर कुछ हैं तो पूछ सकते हैं। आंध्र प्रदेश से भी लोग जुड़े हुए हैं। जी जी, हम देख रहे हैं सर, हम देख रहे हैं उनको भी। वी वेलकम ऑल द पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया हु हैज जॉइंड हियर, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। अनवर सर, एम ए आइडियल स्कूल, अनवर सर आज आपके यहाँ कोई टॉपिक है क्या कुछ शेयर करने के लिए? अनवर सर फ्रॉम एम ए आइडियल स्कूल, ओके, एक ऐप के बारे में अनवर सर आज कुछ शेयर करना चाह रहे थे, किसी वजह से कनेक्ट हो नहीं पा रहे, दैट्स फाइन। सो अगर आप में से क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं कुछ भी, कि हाउ टू इवैल्यूएट द पेपर्स फॉर लॉन्ग आंसर्स। क्वेश्चन पेपर उर्दू की बात है, समथिंग वांट्स टू टाइप क्वेश्चन पेपर, ये देख के अंडू गूगल सवलत है कि आप जो टाइप करोगे वो उर्दू में टाइप होगा, आप उसी चीज को एज इट इज यहाँ पे ले सकते हो। इवन द स्टूडेंट्स कैन टाइप द आंसर्स इन उर्दू, बच्चे भी उर्दू में आंसर्स टाइप कर सकते हैं। तो यही टेक्नोलॉजी की खास बात यही होती है कि देखने में बड़ी आसान दिखती है, लेकिन आप उसको हैंड ऑन करते जाइए, जब तक आप 1-2-4 क्वेश्चन पेपर नहीं बनाएंगे आप में परफेक्शन नहीं आएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का आपका एक होमवर्क है ये कि आप लोगों को एक क्वेश्चन पेपर बनाना है और वो क्वेश्चन पेपर का लिंक हमसे शेयर करना है कल जूम पर, या फिर आप अपने स्क्रीन शेयर के जरिए से आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाया है वो हमें दिखाइए। हमें बहुत खुशी होगी जब आप लोग हमें ये क्वेश्चन पेपर दिखाओगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। कुछ क्वेश्चन और हैं तो ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं जस्ट ये मालूम करना चाह रही थी कि क्वेश्चन पेपर में किस तरह से पिक्चर्स या वीडियोस इंसर्ट की जा सकती हैं। ओके, क्वेश्चन पेपर पे जब आप जाओगे, फॉर एग्जांपल मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर लेकर आपको बताऊंगा, मेरे स्क्रीन शेयर के जरिए से मैं आपको फिर से एक बार ये ऑप्शन दिखा दूंगा, आप उसको अच्छा से देख लीजिए। मैं अभी मेरा स्क्रीन शेयर करने के लिए, और ये मेरा स्क्रीन शेयर स्टार्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ पर जाऊंगा ऐप के ऊपर जिसको हम कह रहे हैं गूगल फॉर्म्स ऐप, नीचे की तरफ ब्लू वाला है, देखिए वाईटी म्यूजिक के ऊपर नजर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ फॉर्म्स ऐप, और इसमें मैं गूगल फॉर्म्स के ऊपर जा रहा हूँ, और यहाँ पर नीचे प्लस वाली साइन है जहां पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, और ये क्वेश्चन पेपर मुझे आप आ जाएगा, क्रिएट ए ब्लैंक फॉर्म। सर ने लैपटॉप से किया था और मैं सेलफोन से कर रहा हूँ। अब यहाँ पे मुझे देखिए, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये सारे ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं। ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन जब आप ये लैपटॉप से करोगे आपको वहां पर इंसर्ट इमेज, इंसर्ट लिंक, यूट्यूब लिंक आप नजर आएंगे, आप वहां से इसको ऐड कर लेना है। ओके
ओके, मतलब फोन से हम नहीं कर सकेंगे? फोन में ये ऑप्शन फिलहाल नहीं है. आप फोन से अगर करना चाह रहे हो तो आप एक काम ये करना पड़ेगा, आप गूगल क्रोम पर जाइए. गूगल क्रोम में जाकर आप गूगल फॉर्म टाइप करिए, देन गूगल फॉर्म्स, उसके बाद आप यही प्रोसेस करोगे. बच्चे की आवाज म्यूट करिए प्लीज, बच्चे की आवाज जहाँ से आ रही म्यूट करिए. ओके मैम, एम आई क्लियर टू यू? सर ये एड सेक्शन में है क्या कुछ ऑप्शन? नहीं, वहां पर से नहीं मिलेगा. एड सेक्शन में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. आरिफ सर फोन से भी कर सकते हैं, लेकिन उसको वेबसाइट फोन पे ओपन करना है सर. सर मैं नसीर बात कर रहा हूँ, यूआरएल इंसर्ट करना है. सर फिर से बोलिए. वीडियो इंसर्ट करना है तो यूआरएल इंसर्ट करना है, डायरेक्ट वीडियो इंसर्ट करना है. जी 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 जी. सेलफोन में ऑप्शन नहीं था इसलिए. असगर सर थोड़ा सा सबको म्यूट कर दीजिए ना. ओके राइट सर. हाँ सर थैंक यू. और कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, वरना हम क्लोज करने की तरफ जा रहे हैं सेशन को. और कोई क्वेश्चन है क्या सर? मेरा नाम आयशा है सर. आप बोले थे कि लैब के जरिए क्वेश्चन पेपर बना सकते हैं. मेरा फोन है सर, इसमें गूगल क्रोम पे जाके क्वेश्चन पेपर प्रिपेयर कर सकते हैं हम लोग? बिल्कुल कर सकते हैं हम. गूगल क्रोम पर वहां पर टाइप कीजिए गूगल फॉर्म. गूगल फॉर्म टाइप करना. टाइप करोगे हाँ गूगल फॉर्म, आपका ये वाला ओपन हो जाएगा. और दूसरा आसान तरीका ये है, अगर आप वीडियोस और इमेजेस भी डालना चाह रहे हैं तो आसान तरीका ये है, गूगल ऐप में से गूगल फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए. उसमें बहुत स्पीड होता है काम, बहुत तेजी से होता है. ओके थैंक यू सर. वेलकम मैम. सर न्यू जॉइनिंग के लिए एक लास्ट क्लास जो फर्स्ट क्लास में जो इंट्रोडक्शन हुआ था वो एक रिपीट हो सकता है क्या सर? समरी टाइप तो नहीं हो सकता, लेकिन हम एक काम ये करे हैं, ये सारे सेशन जो है हमारे इमरान रसूल साहब की मदद से हम इसको रिकॉर्ड करे हैं और इसके लिंक हम शेयर करे हैं. तो ये लिंक इंशाल्लाह आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे. सारा सेशन उसमें रिकॉर्डेड है, लाइव है, आप अपनी सहूलत से कभी भी उसे देख सकते हो. अस्सलामुअलैकुम सर. शेयर कर रहे सर. हेलो सर, अस्सलामुअलैकुम. शेयर किया जा रहा है. एग्जैक्टली. वालेकुम सलाम सर. लास्ट क्लास की लिंक कौन से ग्रुप में? कौन से ग्रुप में? आसिफ नगर के ग्रुप में. ठीक है इंशाल्लाह, मैं उनको बोल दूंगा सर, फिर फोन करा दूंगा. ओके थैंक यू. जज़ाकअल्लाह सर. मैं कर्नूल से बात कर रहा हूँ. आज जनाब आरिफ साहब जी. जनाब आरिफ साहब अस्सलाम वालेकुम. सर वो टेस्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाए, टेस्ट पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, उसको दोबारा सेकंड सेक्शन में आने के बाद रीलोड रीलोड बोल के आ रहा सर. क्लिक करे तो फिर स्क्रीन चले जा रहा सर. उसका क्या हाल है जरा थोड़ा बताइए. जनाब आरिफ साहब, जनाब आरिफ साहब बार बार सर बोल रहा हूँ, बार बार लोग अपने माइक ऑन कर रहे हैं तो दूसरी आवाज है. तो सर आप ये करिए कि जो लोडिंग जो हो रहा है सर, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ वीक इंटरनेट कनेक्शन है और कुछ नहीं. तो आप जो है उसको दोबारा टच करके एक बार दोबारा लिंक पे जाकर हमें भेज सकते हैं. रीलोड बोलो क्या सर, उसका हल बताइए सर आप. जी सर, हल ये है कि इंटरनेट अगर आपके यहाँ लो है तो होता है और कोई दूसरी वजह नहीं है, तो दोबारा उस पर क्लिक हाँ, कर आप वहां पर जाइए. कोई और सवाल? ठीक है जनाब, ठीक है जनाब. आज जी नहीं, माजरा चाहता हूँ. अल्लाह हाफिज. कोई किसी और पार्टिसिपेंट से कोई और सवाल? अभी जो क्वेश्चन हुआ था ना कि ऐसा फॉर्म बार बार रीलोड हो रहा है, तो आप ये गूगल क्रोम ब्राउजर में ओपन करिए, ऐसा कुछ भी इश्यू नहीं आएगा. एक्चुअली थोड़े ब्राउजर इसको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे इसलिए बार बार रीलोड हो रहा होगा वो. हाँ जी जी, आप गूगल क्रोम ब्राउजर में करिए, इंशाल्लाह आपका इश्यू सॉल्व हो जाएगा. शुक्रिया सर. क्लाइंट सर कोई और जी? जज़ाकअल्लाह जज़ाकअल्लाह. ठीक है, वरना दुआ के साथ क्लोज करते हैं सर. प्रीवियस क्लासेस का शेयर कर सकते हैं सर आप?
प्रीवियस सेशन जो हो चुके हैं वो बोल रहे हैं आप? हाँ जी मैम, इसके लिंक बने हुए हैं। आप कौन से मंडल में है बोलिए? हम हैदराबाद में रहेगा सर। हैदराबाद में किशनबाग से बोल रहे हैं आप? नहीं सर, हैदराबाद अमित पेट आसिफ नगर मंडल में है सर। आसिफ नगर मंडल अमित पेट। ओके गॉट इट। तो आसिफ नगर मंडल अमीर पेट वाले जो है उन्होंने भी आसिफ नगर मंडल में है क्या? मैम हेलो, हम इसको व्हाट्सएप से लिंक शेयर कर रहे थे। आई कैन डू वन हेल्प। कल हम ये करेंगे, कल हम आपको इसका वीडियो का लिंक इस जूम ऐप पे शेयर करेंगे। सर माइक को ऑन कर लीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। ये हमारा छोटा सा प्रॉब्लम हो रहा है, बात कर रहे हो। थैंक यू। तो मैम कल हम इसका लिंक हम इस शेयर पे आपसे शेयर करेंगे, इसी ऐप पे शेयर करेंगे। वो लिंक आप सेव कर लीजिए, आप जब भी फ्री हैं आप वो सारा वीडियो देख सकते हैं। कोई और क्वेश्चन? हेलो, दिस इज सामुजी। मैं आज ही एक वेल विशर के थ्रू बोल सकते हैं, अभी ज्वाइन हुई जस्ट मिनट्स बैक। तो मुझे ये पता करना है कि कल ज्वाइन करना है तो फिर से कैसा ज्वाइन करूं? मतलब मैं कोई ग्रुप में नहीं, तो मुझे लिंक कैसा आएगा मतलब कल के लिए? जी मैम, जो लिंक आज आपने लिया है सेम लिंक हम एक्टिव रखे हैं 1 वीक तक, यही लिंक एक्टिव है, उसी पे आप क्लिक करते जाइए आप ज्वाइन हो जाएंगे। ओके, एंड हाउ अबाउट आप कुछ व्हाट्सएप ग्रुप भी देते हैं, वो ग्रुप क्या है मतलब? मैम एक्चुअली आईटा के ग्रुप्स हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया बने हुए हैं, तो अगर आप हैदराबाद के किसी मंडल में हैं तो आपको वहां से मिल जाएगा। ओके ओके फाइन। आप कहां पर है, आपका वर्क प्लेस कहां पर है? मेहदीपट्टनम। ओके मेहदीपट्टनम है, तो आप आसिफ नगर ग्रुप में जुड़ सकते हैं मैम। ओके ओके फाइन, आसिफ नगर ग्रुप में जुड़ते हैं। फॉर एनी फर्दर कॉन्टैक्ट एक नंबर आ रहा है देखिए, आप उस नंबर पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर आप मेरे पर्सनल नंबर पर भी कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं मैम। ओके ठीक है, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए चैट में, आई जस्ट टेक दैट। ओके ग्रेट, मैं अभी यहां से शेयर कर देता हूं। इस बीच में मैं दुआ के लिए गुजारिश करूंगा हमारे स्टेट के किसी मेंबर से कि वो दुआ करके सेशन को क्लोज करें। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड 100 क्रॉस कर चुके थे आज हम लोग, दैट वाज सो ग्रेट। 100 लोगों एक साथ जुड़ना बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही रेयर होता है। तो आई रिक्वेस्ट समबडी फ्रॉम द स्टेट टू गो एंड क्लोज द सेशन विद दुआ। अजहर साहब किसी से गुजारिश करिए इस बीच में। ठीक है चलिए, मुमताज सर है क्या? सर मुमताज सर है क्या? जी सर। अजहर साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी जी सर, ये दुआई कलिमात के साथ प्रोग्राम का इस्तेमाल सर। बड़े अनुभव संतव है ना भाई। चलिए नहीं आप बोल दीजिए सर, मुख्तसर है। जी 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 अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। मैं जनाब असगर साहब जिनकी निगरानी में प्रोग्राम चल रहा है, जो प्रोग्राम आपके चला रहे हैं, आरिफ साहब, इमरान रसूल साहब और आपके नसीर साहब, साहब के आरिफ साहब और सफरन साहब वगैरह तमाम लोग जुड़े हुए हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में इस प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ ले जा रहे हैं। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जितने भी हमारे इसमें वेल विशर्स के साथ हमारे तंजीम के लोग जुड़े हुए हैं, अल्लाह ताला इस ऑनलाइन कोर्स के जरिए से उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाए और वो इस फायदा हासिल करने के बाद क्लासरूम के अंदर बच्चों के अंदर भी इसी टेक्नोलॉजी के जरिए से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबकी खिदमत को कबूल करे। वाखर दावन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन 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 आमीन। जज़ाकअल्लाह खैर। राइट नाउ thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe.